किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि अंत समय में तो सिर्फ फिल्मों में अच्छा होता है, असल जिंदगी में अंत में कुछ भी ठीक नहीं होता। जो करना है अभी ठीक कर लो, क्योंकि अंत में तो सिर्फ अंतिम संस्कार होगा। और ऐसी वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें MyFM का यूट्यूब चैनल और दबाएं बेल आइकॉन। मैं हूं आरजे कार्तिक। एक बड़ी छोटी सी कहानी सुनाता हूं एक प्रसिद्ध राजा की, जिसने अपने दरबार में बड़ा उत्सव रखा था। वो राजा वृद्ध हो चला था, लेकिन अभी भी सिंहासन पर बैठा हुआ था। और उत्सव में उसने अलग अलग राज्यों के राजाओं को बुलाया था, एक राज्य की सुप्रसिद्ध नर्तकी थी उसको बुलाया था, और साथ में अपने गुरुजी को बुलाया था। अब गुरुजी जब आ गए दरबार में, तो उनके पास में तो कुछ था नहीं देने के लिए नर्तकी को, तो राजा ने एक स्वर्ण मुद्राओं से भरी थैली दे दी कि जब भी आपको नृत्य अच्छा लगे अपनी ओर से आप दे दीजिएगा पुरस्कार में। पूरी रात नृत्य चलता रहा, पूरी रात जो है नृत्य का उत्सव चलता रहा। और जब ब्रह्म बेला आई, सुबह का समय आया, तो जो तबला बजा रहा था, संगीत दे रहा था, वो ऊँघने लगा, उसको नींद आने लगी। नर्तकी ने धीरे से देखा कि तो ऊँघ रहा है, राजा को पता चल गया तो राजा जो इसको दंड दे देगा, इसको सजा मिल जाएगी। तो इसलिए नर्तकी ने अपने तबले वाले को जगाने के लिए, आगाह करने के लिए एक दोहा पढ़ा कि घणी गई थोड़ी रही, या में पल पल जाए, एक पलक के कारणे यूं ना कलंक लगाए, यूं ना जन्म गवाए। जैसे ही ये बात तबले वाले ने सुनी, वो अलर्ट हो गया, सतर्क हो गया और शानदार तरीके से बजाने लगा तबला। और जैसे ही ये बात बाकी लोगों ने वहां पर सुनी, जो राजा का बेटा था, जो युवराज था, वो दौड़ के आया और उसने अपना मुकुट नर्तकी को दे दिया कि ये मेरी ओर से आपके लिए। तभी जो राजा की बेटी थी, राजकुमारी थी, वो दौड़ के आई और उसने अपना हार जो है नर्तकी को दे दिया कि मेरी ओर से ये भेंट आपके लिए। तभी गुरुजी अपने आसन से उठे और जाकर के स्वर्ण मुद्राओं की पूरी थैली उसको दे दी कि सब तुम्हारा, मैं चला। जहां राजा ने देखा कि सबको एक दोहा बोलकर के नर्तकी ने लूट लिया है, तो राजा अपने सिंहासन से खड़ा हुआ और कहने लगा कि क्या बदतमीजी चल रही है, एक दोहा बोल करके तुमने सबको लूट लिया, जिनके पास में जो कुछ सब देते चले जा रहे हैं, क्या चल रहा है। राजा उसको डांटने लगा। तभी राजा के गुरु ने कहा कि बस राजन, इसको कुछ भी मत कहिए, इसके एक दोहे ने आज मेरी आंखें खोल दी। मैं पूरी उम्र, पूरे जीवन तपस्या करता रहा, जंगल में, वन में रहा, भगवान की भक्ति करी, और आज आपके कहने पर यहां नर्तकी का नृत्य देखने लगा, नर्तकी को स्वर्ण मुद्राएं पुरस्कार में देने लगा। इसके दोहे ने तो मुझे समझा दिया कि घणी गई थोड़ी रही, थोड़ा सा तो जीवन बचा है, या में पल पल जाए, एक पलक के कारण यूं ना कलंक लगाए, यूं ना जन्म गवाए। समझा दिया इसने मुझे, ये मेरी सबसे बड़ी गुरु, इसने बताया कि भैया थोड़ा सा समय बचा है, जाकर के भक्ति करो। तभी राजा का बेटा राजकुमार कहने लगा युवराज कि महाराज, आप इतने वृद्ध हो गए पिताजी, लेकिन आप कुर्सी नहीं छोड़ रहे, सिंहासन नहीं छोड़ रहे। आज मैं सिपाहियों के साथ मिलकर के आपकी हत्या करने वाला था, लेकिन इस नर्तकी के दोहे ने मुझे समझाया कि घणी गई थोड़ी रही, थोड़ा सा समय बचा है, आज नहीं तो कल पिताजी तुम्हें कुर्सी सौंप ही देंगे, राजा तुम बन ही जाओगे, क्यों अपने पिता की हत्या का कलंक लेते हो। इसलिए मैंने अपना मुकुट इनको भेंट कर दिया, इन्होंने मुझे जीवन की सबसे बड़ी बात सिखाई। तभी राजा की बेटी बोल पड़ी कि पिताजी, आज मैं महावत के साथ भागने वाली थी शादी करने के लिए, क्योंकि आप मेरा विवाह नहीं करा रहे, मैं विवाह के योग्य हो चुकी हूँ, आपको मेरी जो है चिंता ही नहीं है, लेकिन जहाँ ये मैंने सुना दोहा, तो मुझे समझ आया कि थोड़ा समय बचा है, आज नहीं तो कल पिताजी मेरा रिश्ता तय करा देंगे, इसलिए मैंने भी विचार त्यागा और अपना हार जाकर के इनको भेंट कर दिया। जब राजा ने ये सब सुना, तो राजा ने बिना देरी के अपने बेटे से कहा कि बेटा, इसी पल से तुम इस राज्य के राजा बनने जा रहे हो। बेटी से कहा कि बेटी, इतने सारे राजकुमार आए हुए हैं, जो तुम्हें पसंद हो उसके गले में वरमाला डाल करके अपना विवाह जो है सुनिश्चित कर दो। और राजा ने कहा, मैं भी राजपाट छोड़ करके जंगल में जाऊंगा, तपस्या करूंगा, भगवान की भक्ति करूंगा। राजा का भी जो है मन बदल गया। और जब ये सब होने लगा, तो नर्तकी ने सोचा कि मेरे एक दोहे ने सबके जीवन को पलट दिया और मैं अभी भी यही कर रही हूँ। नर्तकी ने भी डिसीजन लिया कि वो नृत्य का काम छोड़ करके अब भगवान की भक्ति करेगी, क्योंकि घणी गई थोड़ी रही, या में पल पल जाए। ये कहानी राजा की, नर्तकी की उनकी नहीं है, आपकी हमारी कहानी है। हमारे जीवन में भी समय दौड़ता चला जा रहा है और थोड़ा सा बचा है, इस थोड़े से समय में कुछ ऐसा कीजिए कि कलंक ना लगे, बल्कि आपका उद्धार हो जाए, कुछ अच्छा करके दिखाइए। इसीलिए मैं कहता हूं, कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। देखते रहिए हर सोमवार सुबह 9:30 मेरे साथ एक नई कहानी। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें MyFM का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। याद रखिए, अगर आप कुछ अच्छा सुन रहे हैं तो MyFM सुन रहे हैं। चलो आज कुछ अच्छा सुनते हैं।